योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर एक साल बेमिसाल कार्यक्रम में जमकर थिरके विधायक। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा सदर विधायक ने कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। पर विधायक बोले, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से भारी बहुमत से मिली है जीत। साथ ही यह भी बताया कि एक साल के कार्यकाल में करोड़ रूपए की लागत से सदर विधानसभा में करवाया गया है विकास कार्य। योगी सरकार में गुंडे बदमाश माफियों पर लगाम लगी है और अब सही मायने में उत्तर प्रदेश बना है उत्तम प्रदेश। G20 व इवेंट समिट से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक होटल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नई सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है और होली मिलन समारोह भी है। होली मिलन समारोह मेरे एक साल विधायक के रूप में पूर्ण हो गए। सरकार ने बेमिसाल काम करे एक साल में, जो भूतों न भविष्यति आज तक नहीं हुआ। 70 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई है जो जनता के बारे में सोचती है, गरीब मजदूर बेसहारा वंचित सभी के बारे में सोचती है। आपने बजट देखा होगा, हर वर्ग के लिए बजट रखा गया, चाहे उसमें गरीब है, नौजवान है, बूढ़ा है, सभी के लिए बजट लाए। हर वर्ग उससे खुश है। आदरणीय योगी जी से प्रदेश की जनता खूब खुश है, क्यों गुंडा रहित, माफिया रहित, रंगदारी रहित, दंगा रहित प्रदेश। ये जब से सरकार बनी है एकमात्र दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आपकी उपलब्धियाँ हैं? मेरी उपलब्धि है, जब से मैं यहाँ विधायक बना तब से जनता की जो मूलभूत आवाज़ें थी मैंने सदन तक उठाई, चाहे वो रिंग रोड का मामला हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे यहाँ पे मेडिकल का हो, चाहे रिंग रोड रहता DAV से लेकर बदायूं मेरठ रोड हो, और जो जनता की आवाज़ होगी मैं उसे यहाँ से लेकर सदन तक उठाता रहूँगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिला बुलंदशहर की आवाज़ मजबूती से उठाऊँ।